श्री संयम लोढ़ा माननीय सभापति महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में प्रस्तुत किया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, पिछले 3 साल में जितना काम अशोक गहलोत साहब की सरकार ने किया है, महामहिम ने इसमें जो उल्लेख किया है वो उससे भी कम है। इस सरकार के कामकाज के बारे में और बहुत कुछ लिखा जा सकता था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करूंगा, प्रजातंत्र के अंदर किसी भी सरकार के कामकाज के बारे में निर्णय जनता करती है और जनता के माध्यम से सरकार को पता चलता है कि ये काम उनकी सरकार किस तरह से कर रही है। राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर जो उपचुनाव हुए, जो लोग जनादेश को नहीं मान करके पंच में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, राजस्थान के उपचुनावों में राजस्थान की जनता ने इनको संदेश दिया। जहां भारतीय जनता पार्टी को न केवल 4th स्थान पर जाना पड़ा, इनको जमानत तक गवानी पड़ी अपनी, और इनकी आपसी लड़ाई का आलम यह रहा कि इनकी सरकार सुंदरा राजे के बेटे के निवास पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के इशारे पर पथराव किया गया। और यहां तक माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इतने दिन बीतने के बाद भी उस मुकदमे में जांच समिति ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आपके से निवेदन करूंगा, राजस्थान का नई देश के प्रमुख अखबार राजस्थान पत्रिका ने पिछले दिनों एक सर्वे किया और उस सर्वे के अंदर मंत्रियों के कामकाज, विधायकों के कामकाज और विपक्ष के कामकाज और राजस्थान के लोगों की राय जानी। माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत आश्चर्य है कि देश के प्रमुख अखबार राजस्थान पत्रिका के द्वारा इनको आईना दिखाने के बाद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। राजस्थान पत्रिका के उस सर्वे में माननीय सभापति महोदय क्या कहा गया, मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया अपने सदस्यों से कहें कि आसन को संबोधित करें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। कृपया आसन को संबोधित करें। उधर मत देखिए, आप इधर देखिए, आप सारे के सारे, ये क्या मजाक है? संसदीय परिवारों को निर्वहन करें, आप इधर देखिए। श्री संयम लोढ़ा, राजस्थान पत्रिका लिखता है 15वीं विधानसभा
विपक्ष की भूमिका को लेकर मेगा सर्वे और राजस्थान पत्रिका ने लिखा, विपक्ष ने अपने कामकाज से जनता को प्रभावित नहीं किया। पिछले 3 साल में राजस्थान में विपक्ष जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। सर्वे में 66% से अधिक लोगों ने माना कि विपक्ष जनता की आवाज नहीं बन सका। 68% से अधिक लोगों का मानना है कि विपक्ष जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार को विधानसभा में घेरने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा। इतना ही नहीं, सर्वे में शामिल आधे लोगों ने यह कहा, माननीय सभापति महोदय, कि सरकार को गिराना विपक्ष का एकमात्र मकसद रहा। 53% लोगों ने कहा कि उनको कोई उम्मीद नहीं है कि आने वाले वक्त में भी बीजेपी के लोग अपनी कोई भूमिका निभा सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, जिन 5 बिंदुओं पर सर्वे में राय सामने आई, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने रखना चाहता हूं। क्या विपक्ष जनता की आवाज बन पाया? 67% लोगों ने कहा नहीं। क्या विपक्ष जनहित के मुद्दों पर राज्य सरकार को विधानसभा में घेरने में कामयाब रहा? 69% लोगों ने कहा नहीं। कोरोना काल में क्या विपक्ष ने सरकार के साथ मिलकर के जनता की मदद की? 50% लोगों ने कहा नहीं। और माननीय सभापति महोदय, क्या सरकार को गिराना विपक्ष का असली मकसद था? 51% लोगों ने कहा कि बीजेपी सरकार को गिराना चाहती थी। इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, जो 5वां सवाल राजस्थान पत्रिका ने राजस्थान के लोगों के सामने रखा, अगले 2 साल में क्या विपक्ष और सशक्त भूमिका निभा पाएगा? 54% लोगों ने कहा नहीं। बिराजी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं पुनः आग्रह करूंगा अपने माननीय सदस्य जो कहें आसन को संबोधित करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता प्रतिपक्ष अपने सदस्यों से कहें इधर दिखाएं आसन को। श्री संयम लोढ़ा, तो माननीय सभापति महोदय, मैंने आपके सामने निवेदन किया कि किस तरीके से राजस्थान पत्रिका ने भारतीय जनता पार्टी के नकारापन, भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन, भारतीय जनता पार्टी की दिशाहीनता को उजागर किया और इन 3 साल में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लोगों को अपने कर्म से किस रूप में हताश किया, वो राजस्थान पत्रिका ने एक आईना दिखाया। अब माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बिंदु संख्या 80 के माध्यम से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें यह अधिकार भी है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें। राजेंद्र जी, माननीय सभापति महोदय, आपके पीछे ठीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा की फोटो लगी हुई है और ये सरकार और हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महात्मा गांधी के आदर्श को आत्मसात करके
लगातार सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे हैं, इन्हें इधर ले जाओ। समाज में सबसे पीछे बैठा हुआ आदमी है, उसको उन्होंने गले लगा करके एक सम्मानजनक जीवन देने का काम अपनी सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से किया है। अन्य सभापति महोदय, मैंने कल ही कहा था कि अरे खड़े मत रखो उनको, वो उम्र दराज है, बैठ जाओ। तो माने नहीं, लेटाओ आप एक बार उधर। उनकी तबीयत खराब हो गई, आज फिर तबीयत खराब हो गई माननीय सभापति महोदय। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार इनका भी ध्यान रखेगी और इनको ले जाने के लिए गाड़ी बुला ली गई है और ये व्यवस्था की जा रही है कि इनका ठीक से इलाज हो। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, इस सरकार ने राजेंद्र जी एक के बाद एक राजेंद्र जी भेजना लहरों का सामना किया। डॉक्टर को मैंने बुलाया, इनको चैम्बर में लेके क्यों नहीं जाते आप? हैं? आप इनको मैं बुला ले डॉक्टर को, आप इनको चैम्बर में लेके जाओ, पीछे चैम्बर में ले जाओ। डॉक्टर को बुला लिया, चैम्बर में ले जाओ आप पीछे। हाँ चैम्बर में ले जाओ पीछे, नेता प्रतिपक्ष वहाँ चैम्बर में ले जाओ आप इनको, चैम्बर में ले आप, चैम्बर में ले। जितने लोग संवेदना रखने वाले थे वो तो माननीय सदस्य के साथ चले गए और जो बिना संवेदना के है वो यहाँ खड़े हुए अभी तक। माननीय सभापति महोदय, किन विपरीत परिस्थितियों में अशोक गहलोत ने राज संभाला था, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदहाल अर्थव्यवस्था अशोक गहलोत को सौंपी थी। डॉक्टर को भेजना है। इसके अंदर पहले साल में ही फिस्कल डेफिसिट जो 3% की मियाद में होना चाहिए, 3% की लिमिट में होना चाहिए, पहले साल से ही इन्होंने उसको अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का काम किया और 15-16 में उसको 9% पर जाके पहुंचा दिया। राजकोषीय घाटा इनकी पूरी सरकार के कार्यकाल में 3% की सीमा से बढ़कर के रहा, प्रति व्यक्ति आमदनी घट गई और पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक आक्रोश का माहौल था। बीजेपी के नेता जहां जहां जाते थे नौजवान लोग एक नारा लगाते थे, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। और नतीजों के अंदर वो माननीय सभापति महोदय सामने आ गया। इसके बाद विपरीत परिस्थितियों में अशोक गहलोत साहब ने सरकार संभाली, लोगों का भरोसा लौटा, आत्मविश्वास का संचार हुआ, गरीब लोगों को उम्मीद पैदा हुई और आते ही पहले ही साल में इन बीजेपी वालों ने जो गरीब आदमी का 1 रुपए किलो का गेहूं बंद किया था, अशोक गहलोत की सरकार ने आते ही किलो गेहूं। माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हमेशा से हर सरकार, चाहे अशोक गहलोत की सरकार 1998 से 2003 रही हो, चाहे 2008 से 2013 रही हो और चाहे अब 2018 से 2023 की सरकार हो, सोशल सिक्योरिटी में अशोक गहलोत की सरकार का काम आउटस्टैंडिंग है।
पूरे देश में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। 500 रुपए विधवाओं को पेंशन मिलती थी, अशोक गहलोत की सरकार आई, पेंशन को बढ़ा करके 750 रुपए किया गया। जिनको 750 मिलती थी उनको बढ़ा करके 1000 रुपए किया गया। हर घर तक सीधी सहायता पहुंचाने का काम अशोक गहलोत ने किया। पूरी मानव जाति, सभापति महोदय दुर्भाग्य था कि कोरोना आ गया। 2019 के अंदर भारत सरकार को 2019 के दिसंबर में ही पता चल गया था कि चाइना के